कोर्ट में आज हियरिंग कंप्लीट हो चुकी है। बेंच ने दोनों तरफ की दलीलें सुनी। एनटी के पास सीजीआई के किसी भी क्वेश्चन का क्लियर जवाब नहीं था। सीजीआई ने माना है कि पेपर लीक हुआ है और एग्जाम की पवित्रता भंग हुई है, और ये भी जानना मुश्किल है कि ये पेपर किस स्तर पर लीक हुआ है। अगर ये हाई स्केल पर लीक हुआ है तो रीनीट होगा, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। और सुप्रीम कोर्ट ने जो नेक्स्ट हियरिंग डेट दी है वो 11 जुलाई को दी है। 11 जुलाई को ये क्लियर हो जाएगा कि रीनीट होगा या नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट को ये लगेगा कि ये मास लेवल पर पेपर लीक हुआ है तो अवश्य ही रीनीट होगा, और सुप्रीम कोर्ट को ये लगेगा कि नहीं, ये एक दो जगह की ही घटनाएं हैं तो रीनीट नहीं होगा। तो अभी जो डिसीजन आएगा वो 11 जुलाई 2024 को ही डिसीजन आएगा, जिसमें यह देखा जाएगा कि रीनीट होगा या नहीं होगा। इसमें अभी सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को ऑर्डर दिया है कि वो ये आइडेंटिफाई करे कि ये जो क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है वो किस लेवल पर हुआ है, और ये भी बताए कि वो कैसे आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये पेपर इस स्तर पर लीक हुआ है, ये वो कैसे किस प्रकार से उसने आइडेंटिफाई किया है। क्योंकि एनटीए ने यह भी कहा है कि ये पेपर मास लेवल पर लीक नहीं हुआ है, तो ये बताए कि उसने कैसे आइडेंटिफाई किया कि ये मास लेवल पर लीक नहीं हुआ है, ये भी जवाब दे। दूसरा, टाइम ड्यूरेशन बताए कि ये स्टूडेंट के पास में पेपर कितने बजे पहुंच गया था। जिन स्टूडेंट्स के पास में ये पेपर पहुंचा है पहले एग्जाम से पहले, वो कितने बजे पहुंच गया था, या 5 तारीख को सुबह पहुंचा है या फिर 4 तारीख को ही पहुंच गया था, तो ये इसके बारे में वो क्लियर बताए कि ये कितने बजे स्टूडेंट के पास पहुंच गया था। दूसरा, सीबीआई को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो भी अपने रिपोर्ट पेश करेंगे। जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो अपने जो रिपोर्ट है वो पेश करेगा कि ये किस लेवल पर एग्जाम पेपर है वो लीक हुआ है, ये सीबीआई भी सुप्रीम कोर्ट को बताएगा। इसमें इसके बाद में एनटीए इसके लिए क्या स्टेप ले रहा है आगे, एनटीए इसको इसके लिए क्या स्टेप ले रहा है कि आगे पेपर लीक नहीं होगा। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि एनटीए एक साइबर कमेटी बनाए, जिसके अंदर वो साइबर कमेटी ये जांच करे कि ये जो डाटा है उसका एनालिसिस करे पूरा, पिछले साल कितने स्टूडेंट टॉपर थे, किस मार्क्स पे कितनी रैंक थी, इस बार कितनी है, इस बार इतनी ज्यादा क्यों आई है, कौन सी जगह पेपर लीक हो सकता है, कौन से उसमें सेंटर पे मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, तो इस प्रकार का वो पूरा का पूरा एक एनालिसिस करें और उसकी रिपोर्ट सौंपे इसमें। तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को ऑर्डर दिया है, और जो ये नेक्स्ट हियरिंग है वो हियरिंग 11 जुलाई को होगी। लास्ट वीडियो का सारांश यही है, सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग है उसका भी सारांश यही है कि 11 जुलाई को ही हमें पता लग पाएगा कि रीनीट होगा या नहीं होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये मास लेवल पर लीक हुआ है तो रीनीट होगा, अगर उसको लगा कि नहीं ये कम मात्रा में लीक हुआ है तो फिर रीनीट के चांसेस नहीं है। तो अभी भी रीनीट के 50-50% चांसेस ही हैं। जैसे ही 11 जुलाई को कोई डिसीजन आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।